अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज हम गाने सबक नंबर 26 दुआ, आखिरी सबक है ये। मुश्किल सवालात इसके सबसे पहले हम करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये हुए मुश्किल अल्फाज के मायने लिखे। वादिये फारा, मक्का मौजमा, सोए हरम, इस्लाम की तरफ, दीदाए बीना, बसीरत, जौके तकाजा, कुछ हासिल करने का शौक, शाहिद लीला, मेहनती इंसान, शोरिश हंगामा, हमदोशे सुरैया, बुलंदी पर, अंदेशाए फर्दा, मुस्तकबिल की फिक्र, अमरोज, आज का दिन, जिंदाए तमन्ना, शदीद आरजू या शदीद ख्वाहिश, सूरते मीना, शीशे की तरह साफ, बेलोस मोहब्बत, बगैर लालच मोहब्बत, शौके तमाशा, कुछ करके दिखाने का शौक, खुददारी ये साहिल, अपनी जगह पर कायम रहना, वुस्सते सहरा, वसी दुनिया, महरूमे तमाशा, दुनिया के राजों से नावाकिफ, तासीर का साइल, असर मांगने वाला, बेबाक सदाकत, नडर सच्चाई, आजादी दरिया, दरिया की तरह अपना रास्ता खुद बनाना, आसारे मुसीबत, आने वाली मुसीबत के आसार, शोरशे महशर, क्यामत के दिन की अफरा तफरी, मुहमिले खाली, नामुराद होना। आगे चलते हैं दिए गए सवालात के जवाबात की तरफ। सवाल नंबर एक है कि जिंदाए तमन्ना से शायर की क्या मुराद है? तो इसका जवाब है कि जिंदाए तमन्ना से अल्लामा इकबाल की मुराद ये है कि ये इसकी शदीद आरजू और ख्वाहिश है कि मुसलमानों को ऐसी ख्वाहिश अता फरमा जिससे दिल जोशो जज्बे से भर जाए और उनमें तड़प पैदा हो जाए। अल्लामा इकबाल की ख्वाहिश ये थी कि अल्लाह ताला मुसलमानों के दिलों में ऐसी ख्वाहिश, ऐसी आरजू पैदा कर दे कि जिससे इनके जोशो जज्बे से दिल भर जाए और उनकी रूह तड़प जाए और वो अपनी आजादी के लिए कोशिश कर सके। अगला सवाल है कि भटका हुआ आहू से किसे कहा गया है? भटका हुआ आहू से मुराद मुसलमान कौम है। रिफत में मकासिद को हमदोश सुरैया कर से शायर की क्या मुराद है? तो इस मिसरे से शायर की मुराद है कि मुसलमान कौम का जो मकसद है वो बहुत ज्यादा ऊंचा और आला है, तो ऐ खुदा या ऐ अल्लाह ताला इस मकसद को बहुत ऊंचा और आला फरमा और इसमें मुसलमानों को कामयाबी अता फरमा। आगे सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर चार है अंदेशाए फर्दा से क्या मुराद है? अंदेशाए फर्दा से मुराद मुस्तकबिल की फिक्र है। मोहब्बत के लिए किस खूबी की तारीफ की गई है? तो इस नजर में मोहब्बत के लिए जिस खूबी की तारीफ की गई है वो ये है कि मोहब्बत बेलोस होनी चाहिए। आगे चलते हैं, तरकीब को इनके मायने के साथ मिलाना है। दिले मुस्लिम, मुसलमानों का, मुसलमान का दिल, मुराद उम्मत मुसलम की हालत। वादिये फर्दा, मक्का मौजमा के करीब एक वादी का नाम। सोए हरम, हरम की तरफ मुराद काबातुल्लाह की सिमत। दिले वेरा, ऐसा दिल जिसमें आगे बढ़ने की तड़प ना हो। हम दोषी सुरैया, सात सितारों की झुरमट के बराबर मुराद बुलंद बुलंदी या अरूज। आगे है बुलबुले नाना, उदास परिंदा, मुराद शायर अल्लामा इकबाल। दीदाए बीना, देखने वाली आंख, मतलब बसीरत। आगे चलते हैं, सबके है हमारे पास मौजूद है तो हमने इसे मजीद अल्फाज बनाने हैं। ऊपर ये जो सवाल लिखा है इसे इग्नोर करें, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है, सबकों का ये सवाल है। और चलते हैं, शुरू करते हैं। हम जमात, हम नवा, हम दम, बे बेमान, बेकार, बेजुबान, अन अनदाता, अनपढ़, अनजान, और बिन बिन बुलाया, बिन कहे, बिन सिला। आगे लहके हमने बनाने हैं और उसके फिर मजीद अल्फाज हमने इससे बनाने हैं। गीर, आलमगीर, जहांगीर और जागीर, दार, मालदार, वफादार, जागीदार, मंद, अकलमंद, दौलतमंद, दानिशमंद, दान, गुलदान, रोशनदान, पानदान, नमकदान, कोई भी आप इसे बना सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। मजीद कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं? इसके साथ ही अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।